शनिवार को नगर निगम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। पहले दिन महापौर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार परमानंद तोरानी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि पार्षद पद के लिए वार्ड 19 से एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। सोमवार से नामांकन प्रक्रिया में गति आने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव के नामांकन के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने शनिवार से नगर निगम के नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। शनिवार को सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी की, जिसके बाद नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। हालांकि पहले दिन अधिकतर उम्मीदवार पूछताछ और फॉर्म की खानापूर्ति करने पहुंचे थे। कुछ उम्मीदवारों ने फॉर्म के लिए निक्षेप राशि भी जमा कराई। सुबह 10:30 बजे ही सबसे पहले महापौर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार परमानंद तोलानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। धरती पकड़ के नाम से मशहूर हो चुके परमानंद तोलानी सांसद, विधायक, पार्षद सहित महापौर के कई चुनाव लड़ चुके हैं। पार्षद पद के लिए एक नामांकन दाखिल हुए। आज नगरीय निकाय के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय निकाय के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद विभिन्न स्थानों पर नगरीय निकायों में आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महापौर पद के लिए एक आवेदन अभी प्राप्त हुआ है और पार्षद के लिए भी अभी एक आवेदन प्राप्त होने की सूचना मिली है। इसके अलावा विभिन्न नगरीय निकायों में लोगों के द्वारा फॉर्म लिए गए हैं और राशि भी जमा कराई गई है और उम्मीद है कल से और आवेदन आएंगे। कल छुट्टी है, परसों से आवेदन आएंगे। कई लोग मानते हैं कि शनिवार के दिन नामांकन दाखिल नहीं करना चाहिए, यही कारण रहा कि पहले दिन मात्र एक नामांकन दाखिल हुआ। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।